गई बनैया और भोजन रही बनाई बरतन माजत जाती सुअन से चौका रही लगाई बना रही है रोती जा रही है पागल सी हुई गई बनैया भोजन रही बनाई बरतन माजत जाती सुन से छोला नहीं मैंने तुझे पाया था बड़ी बड़ी आस करी बेदना से तब मैंने तो खो पाओ छोड़ी चलो लोगों पर कन्हैया है जय जगह अधियारो आज रानी तारा भोजन बनाने के बाद में घर का सारा काम किया है और ब्राह्मणी से कहने लगी मैया अब चली जाऊं। ब्राह्मणी कहती है जल्दी जा, मैंने तुझे पैसों से खरीदा है, लौट करके जल्दी आना वापस। आज वो मैया बगिया के लिए भागी है और जब बगिया के लिए भागी को तो क्या देखा कि बेटा अंतिम श्वासें ले रहा है, बेटा के ऊपर जाकर के पछाड़ खा करके तारा गिरी है और अपने लाला को अपनी छाती से लगा लियो है और बोली बेटा तुझे ये क्या हो गया है। तो आज रोहितास रोक करके कहने लगा मैया मुझे काले नाग ने डस लिया है, मैं अब बचूंगा नहीं। और एक बात कहने लगा है माँ कहने लगा माँ अब मैं बचूंगा नहीं। और चलते समय पर बेटा ने अपनी मैया से कहा है कि दुख सुख की जो कछु गहरी सो मैया को सुख की जो कछु कहे
रानी तारा। थोड़ी देर में बेटा जब खत्म हो गया है, आज वो मैया पागलों की तरह अपने बेटा की लाश पर विलाप कर रही है, बिलख बिलख के रो रही है। बेटा तेरे बिना तो इस संसार में मेरा अब कोई है ही नहीं। थोड़ा राजा का सहारा था, महाराज ने भी साथ छोड़ दिया, तेरा सहारा लिया, तूने भी मुझे अधवर में छोड़ दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ। पर रो करके रानी तारा बोली है, रोहतास गर्भ में रहो और नींद भरी सोयो रे कायो रानी तारा कहने लगी बेटा अरे बालकियो परी मस्त बैठनो पाई छाया जाऊंगी, मैं कहां जाऊंगी। अरे रोई रही बेटा बिना मैया, अरे रोई रही बेटा बिना मैया।
रानी तारा, उस बगिया के बीच में उस मैया को कोई समझाने वाला भी नहीं है, रो रही है। उसी समय बाग का माली आया, कहने लगा बहन इसे सर्प ने डसा है, इसकी लाश फट जाएगी, इसे ले जा शमशान में दफना दे। तो मैया ने कहा है अरे भैया तू का जाने तो बेटा का दुख का हो तू है। और एक बात कहते हैं परीक्षित महाराज, इस संसार में दुख तो बहुत हुआ करते हैं, कि वैसे तो दुख बहुत है और बड़े कहते हैं संसार में दुख तो बहुत हुआ करते हैं। अगर भैया के सामने जवान भैया खत्म हो जाए इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता है। अगर स्त्री खत्म हो जाए बहुत दुख हुआ करता है। और अगर माता पिता के सामने जवान बेटा खत्म हो जाए इससे बड़ा कोई दुख हो नहीं सकता है। उन माँ बाप को कोई समझाने वाला पैदा नहीं होता है, जान ही नहीं निकलती है शरीर से, लेकिन कर्म सब हो जाते हैं। तो रानी तारा अपने बेटा की लाश पर रो रही है और बोली बेटा बेटा।
सनवर में नैया। अरे बेटा डूब गई अधवर में नैया, हाल बेहाल है उस बगिया में, और अपने बेटा से ये मालूम पड़ रहा है जिस तरीका से जिंदा बालक से बातें करते हैं उस तरीका से बातें कर रही है। और बोली वतन रोए रही काला नारे, वतन रोए रही काला नारे, लला मेरे बारे पे मर जाते, अरे पारे पे मरते दुख नहीं हो तो मरते कफन न हो तो बारे पे मरते, अरे बारे पे मरते कफन नया तो बारे पे मरते।